ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हम लोग पढ़ रहे हैं फोर्थ कैंटो चैप्टर 29 टेक्स्ट 46। यदा यस्य अनुगृह्णाति पढ़ लिया था हमने, शायद ये पढ़ लिया था ना। ओके 47 है। तस्मात् कर्मसु बर्हिष्मन् अज्ञानादर्थकाशिषु मा अर्थदृष्टिं कथा श्रोत्र स्पर्शिषु स्पर्शिषु अस्पृष्टवस्तुषु ओके हे राजन भरिष्मान, तुम्हें अज्ञानवश कभी भी वैदिक अनुष्ठानों या सकाम कार्यों को अपनाना नहीं चाहिए, भले ही वह कर्म प्रिय क्यों न हो अथवा आत्म सिद्धि के लिए लक्ष्य प्रतीत होते हों। तुम्हें चाहिए कि इन्हें कभी भी जीवन का चरम लक्ष्य न समझो। एनीवे आई विल स्टार्ट हियर। ओम अज्ञानाति मृणदस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री प्रभुपाद की जय। सो भरिष्मान ही इज कंटिन्यूइंग टू स्पीक टू सॉरी हिंदी में प्राचीन वाणी से बोल रहे हैं कि तस्मात् कर्मसु भरिष, तस्मात् कर्मसु मतलब अनेक, मतलब भक्ति को छोड़ के बहुत सारे काम है, दैट्स अ पॉइंट। भक्ति को छोड़ के देर आर सो मेनी थिंग्स यू कैन डू इन लाइफ, बट नारद मुनि की एडवाइस है कि उनमें अपने आप को ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपका माइंड एनर्जी और इंटेलेक्ट लेती है, नहीं टाइम तो लगता ही है। कैन यू क्लोज दिस, डिस्टर्बिंग मी। सो दैट्स अ होल पॉइंट। तस्मात् कर्मसु, हम बहुत सारे कामों में लगे रहते हैं जिनका भक्ति से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है या कोई कनेक्शन ही नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल पर्पट में तो खैर श्रील प्रभुपाद, मतलब इस श्लोक में या पर्पट में प्रभुपाद और नारद मुनि कह रहे हैं जैसे कर्मकांड की क्रियाएं स्वर के लिए या यज्ञ, फॉर एग्जांपल पहले जमाने में यही थे, लोग करते थे पंडित लोगों की क्रियाएं ये सब। सो दैट्स अल्टीमेटली टाइम वेस्ट, क्योंकि वो सारी क्रिया उनके लिए थी जिनको भक्ति की अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। ना करने से कुछ करना अच्छा है, बिल्कुल शास्त्रों में विश्वास ना होने से शास्त्रों में कुछ विश्वास होना अच्छा है। उनका एम था हेवनली प्लैनेट्स या संसार के भोग और जो भी है, बट ठीक है दैट्स ओके, क्योंकि इंजॉय नहीं करना वो तो बेस्ट है। निवृत्ति मार्ग महान है, मनु संहिता में लिखा है निवृत्ति तो महाफलम। निवृत्ति मीन्स पाथ ऑफ रिनन्सिएशन, संसार के भोगों को छोड़ना, उसे तो महान फल मिलता है। मगर अगर कोई ऐसा ना कर पाए, हर आदमी तो नहीं कर सकता, तो प्रवृत्ति पर चला जाना चाहिए, मतलब रिस्ट्रिक्टेड सेंस एंजॉयमेंट। सेंस एंजॉयमेंट करे बट एक लिमिट्स में, तो वो भी एक्सेप्टेड है, एक्सेप्टेड है। मगर अनरिस्ट्रिक्टेड सेंस एंजॉयमेंट, हिंदी में कैसे कहेंगे, खुला सांड कहेंगे ना, दैट्स
a dangerous thing. That's not actually selfishness भी ठीक है अगर वो rational है, मगर खुली selfishness, बिल्कुल स्वार्थी हो जाना बिना किसी अंडरस्टैंडिंग के, वो तो बिल्कुल ही गलत है. स्वार्थ फिर भी एक्सेप्टेड है हमारे शास्त्र में. जैसे मोक्ष की कामना करना वो स्वार्थी है, ठीक है, एक्सेप्टेड है. ठीक है, अगर आप बिल्कुल ही निस्वार्थी हो सकते, ठीक है, मोक्ष के लिए आप अपना आप प्रैक्टिसेस करो, दैट्स ओके. तो इसलिए शास्त्र मतलब होता है क्या कहते हैं उसको, शास्त्र मतलब शासन. लिमिटेशंस में तो रहना जरूरी है, बिना लिमिटेशंस के तो आप एनिमल्स, दैट्स अ होल पॉइंट. चाहे कंप्लीट लिमिटेशंस हो चाहे पार्शल हो. लिमिटेशन कैसे कहेंगे, या सीमा, सीमाओं में रहना तो जरूरी है. सीमा के बिना तो एनिमल्स हैं. चाहे पूर्ण सीमा हो चाहे अर्थ सीमाएं हो, मगर वी हैव टू बी फॉलोइंग सम रूल्स एंड रेगुलेशंस. सो वही, तो पहले जमाने में तो ये था, फालतू के कामों में लोग लगे रहते थे. अब आज के जमाने में तस्मात कर्मसु की डेफिनेशन हो गई, भाई बेकार के काम मत करो. वेल प्रभुपाद कोट कर रहे हैं, जड़ विद्या जत माया वैभव तुम्हार भजने बाधा. सारी जो भौतिकवादी विद्या है वो भी एक तरह से डिविएशन ही है, डिस्टर्बेंस ही है. भौतिक विद्या मतलब ऑफकोर्स आई मीन टू से आप जो भी हम सीख रहे हैं, इंजीनियरिंग, डॉक्टर, केमिस्ट्री, बायो, आर्ट्स, म्यूजिक, ठीक है, बट एक तरह से डिस्टर्बेंस भी है क्योंकि इनमें लोग खो जाते हैं. अट्रैक्टिव तो है ही ना, आप म्यूजिक में जाओगे, म्यूजिक में पूरी लाइफ बीत जाएगी आपकी, इंटरेस्टिंग भी लगेगा. सो बहुत सारी चीज़ें हैं. साइंस में जाओगे आप कहोगे इन्वेंशंस और ये और वो. तो जड़ माया विद्या जत माया र वैभव. इस संसार की जो एजुकेशन है, मेटेरियल एजुकेशन, वो माया का वैभव है. तुम्हार भजन है बाधा, वो भजन में बाधा है. सो हम पढ़ सकते हैं, हम समझ सकते हैं उस हद तक जो हम भगवान को समझने में हेल्प करें, अदरवाइज बेकार है. हाँ ठीक है, आप समझ सकते हो कि मतलब मैं एक आदमी के लेवल पे बात नहीं कर रहा, मैं एक सिविलाइजेशन के लेवल पे बात कर रहा हूँ. ठीक है, हम समझ सकते हैं घर कैसे बनाना है, और बनाना जरूरी है, मगर उस लेवल तक जिसकी कि लोग हम सही से रह सके, भजन कर सके. मतलब ये नहीं कि अब मतलब आजकल तो आर्किटेक्चर क्या हो गया है, पूरा ही घुस गए हैं. कोई बिल्डिंग ऐसे बनेगी, कोई टेढ़ी बनेगी, कोई ऐसे बनेगी, कोई ऐसे बन जाएगी. मतलब व्हाई डू यू वांट टू स्पेंड सो मच एनर्जी इन मेकिंग उल्टी फुल्टी बिल्डिंग. एक सिंपल सा हाउस बनाना सीख लो जिसमें ठंड में गर्म हो, गर्म में ठंडा हो, और है लो बस उतना सीख लो साइंस बस. सो दैट्स व्हाट नारद मुनि सेइंग, अपने माइंड को डिविएट मत करो, फोकस ऑन डिवोशन. तस्मात कर्मसु अज्ञानात अर्थ काशिशु. अज्ञान से प्रभुपाद कह ले अर्थ काशिशु, इंग्लिश में ये लिखा है अर्थ काशिशु का मतलब इन द ग्लिटरिंग भड़कीले कर्मफल में. मतलब ग्लिटर एंड ग्लैमर ऑफ दिस वर्ल्ड, डोंट बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ग्लिटर एंड ग्लैमर. बहुत सारी चीजें, मतलब आप फॉरेन कंट्री जाओगे ना, जिस भी एयरपोर्ट पे तो सेंट की दुकानें बहुत होती हैं. मतलब इंडिया में भी आप जाओगे, सेंट सब जगह सेंट ही सेंट होती है. और मतलब सेंट होंगी और एक लड़के की फोटो होगी, जैसे कि पता नहीं लड़कियां क्यों लगाते हैं उसमें, लगा देते हैं एंड देन सेंट होगा. बट बिकॉज फीमेल्स लाइक टू पुट सेंट्स, दैट्स ऑल. सो दैट्स ग्लिटर एंड ग्लैमर. और बहुत अच्छा है, वेरी नाइस. और लाइटिंग्स होंगी, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगता है. बट मां अर्थ दृष्टि, दैट्स अर्थ, जिसकी अर्थ दृष्टि है. अर्थ दृष्टि मतलब अर्थ होता है संस्कृत में, अर्थ के कई मतलब होते हैं संस्कृत में. मोस्ट कॉमन मतलब अर्थ का है अर्थ मीनिंग, और दूसरा मतलब है अर्थ का मनी. मनी मनी इसलिए क्योंकि क्योंकि कि लोगों के लिए मनी मीनिंगफुल है उनके लाइफ में, है नहीं? सबसे मीनिंगफुल चीज मनी है.
तो मनी अर्थ का मीनिंग मनी है भौतिकवादी लोगों के लिए, और तीसरा मतलब क्या है छोटे अब तो बता दो, अब तो अगर दिमाग थोड़ा है तो बता सकते हो। तीसरा मतलब है विष्णु, क्योंकि डिवोटीज के लिए मीनिंगफुल क्या है उनके लाइफ में, विष्णु। इस तरह से डिक्शनरी लिखी आती है, डिक्शनरी के जो मीनिंग है ना वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। सो डिवोटी के लिए अर्थवान चीज है विष्णु, इसलिए एक अर्थ का मतलब है विष्णु, और विष्णु जीवन का लक्ष्य है इसलिए अर्थ का मतलब है लक्ष्य। तो यहां पे मतलब लिख रहे हैं अर्थ दृष्टि का मतलब लिख रहे हैं लक्ष्य, लक्ष्य मतलब ले रहे हैं। सो जिसकी जिसका जिसकी दृष्टि अर्थ पे फोकस्ड है, विष्णु पे फोकस्ड है, अपने लक्ष्य पे फोकस्ड है, वो फिर इस ग्लिटर ग्लैमर से कंफ्यूज नहीं होगा, वो नहीं होगा, वो देखेगा इतना ग्लिटर ग्लैमर, लास वेगास जाएगा, ओ माय गॉड क्या क्या चीजें हैं, दैट्स इंटरेस्टिंग, बट ठीक है, वो समझ जाएगा कि मीनिंगलेस है, क्योंकि उसकी उसको फोकस्ड है भगवान पे, उसको पता है भगवान को अच्छा नहीं लगता है सब, तो जो भगवान को अच्छा नहीं लगता वो हमें अच्छा नहीं लगता है, नहीं जो हमारे मास्टर को अच्छा नहीं लगता वो हमें क्यों अच्छा लगेगा, और हमें पता है कि भगवान को क्यों नहीं अच्छा लगता है सब, भगवान को इसलिए अच्छा नहीं लगता क्योंकि क्योंकि ये सब हमें हमेशा के लिए जन्म मृत्यु में फंसा देंगे, बस दैट्स ऑल। एक वो एग्जाम्पल नहीं आता आपकी, जो मछली है वो फंस जाती है उसमें, बेट बेट होता है, बेट 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 कहते हैं ना, वो कांटा फंस जाती है, वो समझती है बेट है मगर उसके पीछे कांटा होता है। तो संसार ऐसा ही है, एक बहुत बड़ा बेट है मगर उसके पीछे एक कांटा लगा हुआ है मृत्यु का, आप फंस जाओगे उसके अंदर, दैट्स ऑल। तो सुख इस संसार का सुख, इस संसार के सुख के पीछे दुखी है बस, और कुछ नहीं है। एक बुद्धिमान व्यक्ति समझ जाएगा, बुद्धिमान कौन है, जो भगवान विष्णु को अपनी दृष्टि में रखता है वो बुद्धिमान है, तो हम वो समझ जाएगा। तो अर्थ दृष्टिम कृथा, कृथा क्या होता है, करते हैं ये पहली बार वर्ड देख रहा हूं मैं, अर्थ दृष्टिम कृथा स्पर्शिषु अस्पृष्टु वस्तुषु, कर्ण प्रिय बिना स्पर्श के वास्तविक तुम्हें चाहिए कि इन्हें कभी भी जीवन का चरम सक्ष ना समझें, और स्पर्शिशु ये सारी चीजें जो हैं ये बहुत इंटरेस्टिंग लगती हैं हमारी सेंसेस को, जो वैदिक मंत्र हैं कानों को बड़े अच्छे लगते हैं, जो चीजें हैं आंखों को बड़ी अच्छी लगती हैं, सुंदर सुंदर चीजें। तो नारद मुनि सेइंग इट्स अ ट्रैप, डोंट बी कंफ्यूज्ड, इट्स अ ट्रैप, यू आर इन अ मेज। मेज मेज पता है, मेज मेज कैसे कहते हैं हिंदी में, भूल भुलैया में हमें संसार, तभी तो भगवान कह रहे हैं मेरी नहीं सुनोगे तो खो जाओगे संसार में। व्हाट्स दैट वर्स गीता का, कौन सा श्लोक है, हाँ, इफ यू डोंट लिसन टू मी यू विल बी लॉस्ट इन दिस मेटेरियल वर्ल्ड, खो जाओगे, एक्चुअली खो ही जाओगे, पता नहीं कहाँ हो गए हम अगले जीवन में, क्या पता किसी को, चाइना में पैदा हो गए तो रशिया में पैदा हो गए, कहीं पता नहीं कहाँ डिवोटीज होंगे नहीं होंगे, पता भी पूरी लाइफ में पता भी लगेगा, ऐसी चीज होती है, वो भी नहीं पता लगेगा, चलती रहेगी लाइफ, इट्स अ डेंजरस थिंग। सो इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल एडवाइस, कम से कम उलझो इस संसार में, कम से कम चीजें काम करो, कम से कम ज्यादा समझने वमझने की जरूरत नहीं है, लाइफ छोटी है ना, भक्ति करो, फेथ रखो, समझने तो भगवान को समझो, दैट्स वन थिंग, भगवान उनके डिवोटीज और भक्ति, तीन ही चीजें समझने की संसार में, गॉड हिज डिवोटीज एंड लव, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रेम, भगवान और भक्तों का प्रेम, वो समझने की चीज है, अदरवाइज तो सब, अदरवाइज तो करोड़ों चीजें, आप यू कैन जस्ट कीप ऑन गोइंग यू नो एंड गेट मैड, कैन बिकम मैड, आप बहुत सारी चीजें पागल हो जाओगे आप। इसीलिए नारद मुनि कह रहे हैं अल्प ज्ञानी मनुष्य स्वयं लोका न विदुस्ते वही यत्र देवो जनार्दन आहुर क्या लिखा है आहुर धूम्र धियो वेदम सकर्म कर्म तद्विद। एक्चुअली जब हम भागवतम पढ़ते हैं ना, नारद मुनि जो जो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं वो उस टाइम के लिए, उस टाइम के अनुसार दे रहे हैं,
क्योंकि उस टाइम कर्म कांड और वेदों में बहुत लोग इंटरेस्टेड थे, टाइम वेस्ट करते थे यज्ञों में, तो कह रहे हैं भी मत करो। अब उसको ट्रांसलेट करेंगे आज की एज में तो इंस्टेड ऑफ दैट मेटेरियल नॉलेज आ गई, यू सी द पॉइंट। उस तरह से तो प्रभुपाद उस तरह से पेपर लिख देते हैं। अल्प ज्ञानी मनुष्य वैदिक अनुष्ठानों को ही सब कुछ मान बैठते हैं, तो अब आज की लैंग्वेज में ट्रांसलेट करेंगे तो हम कह सकते हैं अल्पज्ञानी मनुष्य साइंस को ही सब कुछ मान लेते हैं या मेटेरियल नॉलेज को ही सब कुछ मान लेते हैं। सब कुछ वो नहीं है, वो भगवान ने दिए हमें नॉलेज ये उनको समझने के लिए या हेल्प करने के लिए कि हमारी लाइफ सही से चल सके, कि भगवान को समझ जाए। दैट्स ओके, दैट्स वेरी नाइस, कोई खराब ही नहीं है। उन्हें यह ज्ञान नहीं है कि वेदों का प्रयोजन अपने निजी धाम को जानना है जहां भगवान निवास करते हैं। अपने असली धाम में रुचि न रखकर मोहग्रस्त होकर अन्य धामों की खोज करते रहते हैं। नाउ दैट्स वन थिंग, लोग एक्चुअली बहुत सारे वैदिक शास्त्र हैं, नहीं जो हम बात कर रहे थे, इतनी सारी चीजें हैं वेदों में, वेदों में सारी नॉलेज है। तो लोग पढ़ते हैं और सोचते हैं कि ये वेदों में ये गोल है, ऐसे दिया है, ऐसे दिया। ऐसे फॉर एग्जांपल लोग कहते हैं भी वेदों का लक्ष्य दान करना, दान पुण्य करना। कई लोग कहते हैं वेदों का लक्ष्य गोरक्षा करना, कहते नहीं कहते हैं। गोरक्षा वालों से आके पूछो, वो कहते हैं तुम्हारा मंत्र वंत्र जप करना सब बकवास है, हम गोरक्षा नहीं कर रहे। तो सो ऐसे भी श्लोक हैं वैसे, जो जहाँ जिस भूमि पे गो रक्षा नहीं होती उस भूमि पे जो भी जिसका भी जितना भी जप है वो बेकार हो जाता है। तो आप पढ़ोगे कहोगे, ये ऐसे भी श्लोक हैं कि दान ही परम धर्म है, दान ही परम तपस्या है। ऐसे भी श्लोक है अहिंसा परमो धर्म, सुना है ना, गांधी जी ने तो पूरी लाइफ ही उसको डेडिकेट कर दी। तो ऐसी भी चीजें हैं, तो इसलिए लोग कंफ्यूज हो जाते हैं वेद पढ़ के, क्योंकि बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस है ना, मगर वो इंस्ट्रक्शंस कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं है। कहोगे यार यहां पे तो इसको परम का है, वहां पे उसको परम का है, वहां पे उसको परम करा है, ये क्या है, बट उसमें कोई विरोध नहीं है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट लेवल के लोगों के लिए डिफरेंट डिफरेंट चीजें हाईएस्ट होती है। नहीं जैसे जैसे छोटे बच्चों को क्या बोलेंगे कि तुम्हारा परम धर्म क्या है, पढ़ाई करना बेटे देखो, है नहीं? तो अब क्या मतलब क्या बड़े आदमी को बोलेंगे कि तुम्हारा परम धर्म क्या है, पढ़ाई करना, हो गया। बड़े आदमी को बोलेंगे तुम्हारा परम धर्म है एक गुड सिविलियन बनना, है नहीं, एक अच्छे नागरिक बनना, अगर मैं नॉर्मल सेंस में बोलूं तुम्हारा परम धर्म ये है। उसके लिए तो यही है ना, एक मां के लिए परम धर्म क्या है, एक स्त्री के लिए अपने वाइफ अपने अपने हस्बैंड और अपने बच्चों का ध्यान रखना। तो परम धर्म अलग अलग चेंज हो जाते हैं, किसको बोला जा रहा है उसके लिए। अहिंसो परमो धर्म, ठीक है, बट किसके लिए बोला जा रहा है, किस कॉन्टेक्स्ट में बोला जा रहा है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो लोग इसलिए कंफ्यूज जाते हैं और भूल जाते हैं कि भाई भगवान जीवन का लक्ष्य है, और फिर उसके बाद अलग अलग अपनी गोल्स बनाकर अपनी लाइफ। नारद मुनि कह रहे हैं पहली बात तो पिछले श्लोक में तो नारद मुनि की एडवाइस है कि फालतू के कामों में टाइम मत वेस्ट करो, और इस श्लोक में नारद मुनि की एडवाइस है कि वेल कंफ्यूज मत हो। द आइडिया इज, आई थिंक श्रील प्रभुपाद मेंशन तो करेंगे, यहां पर प्रभुपाद मेंशन कर रहे हैं कि अपने धाम वापस चले जाना चाहिए। द आइडिया इज यू हैव टू नीड अ गुड टीचर एंड गेट रिड ऑफ कंफ्यूजन्स। दो ही चीजें हैं एक्चुअली जो कि मनुष्य का टाइम वेस्ट करती है, मतलब दो ही चीजें जिससे हम भगवान के पास नहीं जा पाते। एक तो टाइम वेस्ट करते हैं हम बेकार की चीजों में या लेजीनेस में, और दूसरा है कि अपनी कंफ्यूजन्स क्लियर नहीं करते। दो ही चीजें हैं एक्चुअली। भक्ति ठाकुर भी तो लिख रहे हैं वो चार ऑब्स्टिकल्स भजन रहस्य में, मतलब सबसे पहले तत्व विभ्रमा है, कन्फ्यूजन्स, हजारों कन्फ्यूजन्स हैं, और दूसरा है हृदय दौर्बल्यम। यही दो चीज लिख रहे हैं वहाँ, वीकनेस ऑफ हार्ट जिसकी वजह से हम टाइम वेस्ट कर, वीकनेस ऑफ हार्ट जिसकी वजह से हम कभी किसी से अट्रैक्ट हो जाएंगे, कभी किसी से हो जाएंगे, कभी किसी से जाएंगे, और टाइम वेस्ट करते रहेंगे। तो ये इन दो चीज़ों पर जिसने कॉन्कर कर लिया वो आगे बढ़ जाएगा बस। और ये तो हर जगह प्रिंसिपल अप्लाई होगा,
भी आप बिजनेस कर रहे हो उसमें भी यही बात है, आप कंफ्यूज नहीं हो और टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, तो आप फिक्स तो आपका बढ़ जाएगा नहीं किसी भी चीज में प्रिंसिपल काम करेगा, और भक्ति में तो सबसे ज्यादा काम करता है। सो हमें क्या करना है, हमें टाइम वेस्ट ना करके कंफ्यूजन्स क्लियर करते रहोगे, कन्विंस्ड हो जाओगे। कन्फ्यूजन्स क्लियर करने के लिए ही हम लोग लेक्चर कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, ये लोग कन्फ्यूजन्स क्लियर करें। तो मत्स्य पुराण में लिखा है सबसे बड़ा दुर्गुण मनुष्य में है आलस्य, जिसकी वजह से वो टाइम वेस्ट करता है, जिसकी वजह से हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं। नहीं, एक्चुअली पता है क्या है, एक्चुअली 90% जो काम हम करते हैं ना वो टाइम बिताने के लिए करते हैं, टाइम यूज करने के लिए नहीं करते। ऐसे ही होता है नहीं? अब लोग जो शॉपिंग करने आते क्यों जाते हैं, कुछ करने को है ही नहीं टाइम पास के लिए, यार क्या करें खाली बैठ के। 90% काम है, और फिर लोग कहते हैं बहुत बिजी हैं। भाई बिजी नहीं हो तुम टाइम पास कर रहे हो और कुछ नहीं है। सो दैट वी हैव टू बी केयरफुल। नारद मुनि एडवाइस कर रहे हैं, हे राजन सारा संसार कुशों के तीखों अग्रभाग से ढका है, ये क्या आ गया, और इस कारण तुम्हें अभिमान हो गया है क्योंकि तुमने यज्ञों में अनेक प्रकार के पशुओं का वध किया है। एक्चुअली क्या हुआ था कि हकीकी जो राजा थे भरिष्मान प्राचीन भारी, ही वांटेड, वो एक्चुअली यज्ञों में पड़े हुए थे, तो एंड ही वाज अ किंग, तो किंग के लिए एडवाइस है जब भी यज्ञ करो तो फिर जो कुशा खास मतलब आइडिया ही है कि यज्ञ करने के लिए ब्राह्मण चाहिए, बड़े सारे ब्राह्मण लाते ना सब, बहुत सारे ब्राह्मण को लाया होगा प्राचीन भारी, और ब्राह्मण जब यज्ञ करेंगे तो कुशा घास पे बैठेंगे, तो इसलिए यहां पे कह रहे हैं सारा संसार कुशों के तीक्र अग्रभाग से ढका हुआ है। दैट्स अ होल आइडिया, मतलब पृथ्वी महाराज के केस में भी आया था कि उन्होंने पूरे संसार को कुशा से ढक दिया था, तो कुशा घास जो कि ईस्ट की तरफ या नॉर्थ की तरफ जिनकी डायरेक्शन थी। सो ऑफकोर्स अब उसका मतलब क्या, उसका मतलब क्या है कि उन्होंने पूरी रोड पे बिछा दिया था क्या सब, वो दैट्स द आइडिया टू से कि इतने सारे ब्राह्मण्स और सब जगह यज्ञ हो रहा था, और जब यज्ञ करते हैं तो कुशा घास की जो सीट होती है वो जो घास होते हैं तो नॉर्थ डायरेक्शन में होता है, ईस्ट डायरेक्शन में होता है, ये एडवाइस्ड है। सो उन्होंने कहा कि भाई वो आप में तो सब इतने सारे, मतलब कहने का मतलब है बहुत सारे, ही वॉज एंगेजिंग एवरीबडी इन यज्ञास, एज अ किंग ही ऑर्डर्ड कि मेरे राज्य में यज्ञ होंगे, बट भक्ति की प्रीचिंग नहीं कर रहे थे वो, ही डिडंट इंस्टीट्यूट डिवोशन। एक बहुत बड़े किंग हुए थे मतलब हिस्ट्री में, जिन्होंने अपने किंगडम में विष्णु भक्ति कंपलसरी कर दी थी, कृष्णा देव राय, सुना है साउथ इंडिया के किंग कृष्णा देव राय, विजयनगर, ही डिड कंपलसरी, विष्णु भक्ति कंपलसरी है, जो नहीं करेगा उसको निकाल देंगे, ऐसे इस्लामिक वर्ड में होता है, ये जो कुरान नहीं पढ़ेगा, ही डिड, और एकादशी कंपलसरी थी, और अपने घर में ताला लगाना अलाउड नहीं था, खुला, क्योंकि चोरी करते पकड़ गया तो बीच रास्ते में लटका के हाथ काट देंगे उसको सीधा, मतलब इस्लामिक वर्ड में तो अभी भी काट देते हैं, मतलब आप घूमने गए आपको किसी ने पकड़ लिया आपको हाथ काट के इंडिया वापस भेज देंगे। चलो करते तो हम लोग क्या, खुद लोग तो सारा दिन वही करते रहते हैं। Whatever it is, but the point is, that's a good rule. उससे फिर चोरी बंद हो जाएगी, बस आप खड़े हो काट दो बाल को अपार्टमेंट में लटका के, चोरी कर दी सबके सामने भी आप, एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा। लेडीज के ड्रेस के ऊपर भी कोड है। Yeah, that's there. It's quite strict. That's a good thing to do, क्योंकि उससे लोग डर जाएंगे ना तो फिर कोई चोरी नहीं करेगा। So उनके कृष्णदेव राय के ऑफकोर्स आई मीन टू से वो डर से नहीं, क्योंकि सब विष्णु भक्ति कर रहे थे इसलिए ऑटोमेटिकली कोई स्टीलिंग नहीं करेगा। सो दैट काइंड ऑफ किंग इज गुड, मगर ये प्राचीन भारी ऐसे नहीं थे, इसलिए वो कह रहे हैं कि इस कारण तुम्हें अभिमान हो गया है क्योंकि तुमने यज्ञों में अनेक प्रकार के पशुओं का वध किया है। अभिमान हो गया मतलब पशुओं का वध करने से अभिमान नहीं होगा, आइडिया ये है कि तुमने इतने सारे यज्ञ करा दिए तुम्हें अभिमान हो गया है कि भाई मैं तो सब कुछ सही कर रहा हूं और मैं इसके बाद स्वर्ग जाऊंगा, मेरी डेस्टिनेशन ठीक है, ये है वो है, आई एम ऑन द राइट पाथ, ही माइट बी थिंकिंग व्हाटएवर ही वांट्स। अपनी मूर्तावश तुम्हें यह ज्ञात नहीं है कि भगवान को प्रसन्न करने का एकमात्र उपाय भक्ति है। मतलब नारद मुनि क्लियरली कह रहे हैं टू अ किंग
He's not afraid to speak to a king. And this is good preaching, नहीं? सीधा कह रहे हैं कि तुम्हें मूर्तावश, मूर्तावश क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पर वर्ड इन संस्कृत में? तत् हरितोषम यस्य नैषय परम स्तब्धो, स्तब्धो होगा नहीं, स्तब्धो तो गर्भ है. एनीवे वेल ओके, कह रहे हैं तो मूर्ख हो, दैट्स ऑल फिनिश. हम भी बोल सकते हैं मान, आई थिंक उसी को कह रहे हैं, तो कह रहे हैं यू आर फूलिश एंड प्राउड पर्सन, अहंकारी हो जो तुम अपने मन से कंक्लूजन बना के बैठ गए हो. इस तथ्य को नहीं समझ सकते, तुम इस तथ्य को नहीं समझ सकते. प्राउड मैन कैन नॉट लिसन. एक अहंकारी व्यक्तियों के कान बंद होते हैं, इसलिए इसलिए एक कहावत है, अहंकारी व्यक्तियों का मुंह बड़ा होता है, कान छोटे होते हैं. वो सुनता नहीं. बुद्धिमान व्यक्तियों का मुंह छोटा होता है, कान वो सुनता है हमेशा. He listens and then speak. इसलिए जो बहुत बोलते हैं ना, समझ जाना चाहिए वो मूर्ख है. वो चप 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 चप, अफकोर्स भगवान के बारे में बोल रहे हैं वो बात अलग है, और जो बहुत बोलता है इमीडिएटली समझ जाना चाहिए कि वो मूर्ख है, क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति ज्यादा नहीं बोलेगा, मगर जब बोलेगा तो टू द पॉइंट बोलेगा. ऐसे नारद मुनि तो मूर्ख हो भैया सीधा. तुम्हें वह ही कार्य करने चाहिए जिनसे भगवान प्रसन्न हो. हमारी शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि हम कृष्ण चेतना के स्तर तक ऊपर उठ सके. विद्यातन मतेरियया, ये जो एक्चुअली ये जो विद्या, ये एक्चुअली वेदों में ही है. एग्जैक्टली उपनिषदों से नारद मुनि ने लिया. विद्यातन मतेरियया, विद्या क्या है? अगर कोई पूछे विद्या क्या है, विद्या की डेफिनेशन है ये उपनिषदों में. विद्या क्या है? तन मतेरिया, विद्या वो है जिससे भगवान में आपकी मति लग जाए. विद्या तन मतेरिया, अदरवाइज बाकी सब अविद्या है. भगवान कृष्ण के कह रहे हैं गीता में विद्या क्या है. What do you say about that? सबको समान, सबको समान. वो तो विद्या विनय संपन्न है. कृष्ण कह रहे हैं तेरहवें अध्याय के पहले दूसरे तीसरे श्लोक में अमानित्वम अदम्बित्वम सारी गुड क्वालिटीज बता रहे हैं, और फिर कह रहे हैं दिस इज लर्निंग, अदर देन दिस एवरीथिंग एवरीथिंग एल्स इज अज्ञान. वो विद्या है. विद्या मतलब है अपने अपने भगवान अच्छी क्वालिटीज को विद्या कह रहे हैं, लर्निंग कह रहे हैं. रियल लर्निंग है अपने कैरेक्टर को बिल्ड करना, बाकी सब तो अज्ञान है. इस तरह कैरेक्टर को बिल्ड करना कि भक्ति के अनुकूल हो जाए वो, दैट्स रियल लर्निंग. सो भगवान श्री हरि संसार के समस्त देहधारी जीवों को परमात्मा तथा प्रदर्शक हैं. हरीर देह भृतमात्मा, क्यों भगवान की भक्ति करनी चाहिए? क्वेश्चन है, क्यों भगवान की भक्ति करनी चाहिए? मतलब लोग कोई कहेगा भी भगवान की भक्ति नहीं करनी चाहिए, बाकी सब टाइम वेस्ट है, अभी क्या फालतू की बात कर रहे हो, है नहीं? लोग तो क्वेश्चन करेंगे, हाँ तो सभी चीज को टाइम वेस्ट कर रहे हो, ये तो नॉनसेंस है, हम क्या इसके मतलब टाइम वेस्ट क्यों कह रहे हो, और आप कह रहे हो सिर्फ भक्ति करनी चाहिए, तो बड़े अजीब सा प्रपोजल है. सो नारद मुनि कह रहे हैं हरीर देह भृतमात्मा, क्यों क्यों भगवान की भक्ति को प्रायोरिटी देनी चाहिए? क्योंकि भगवान आत्मा की भी आत्मा है, सबसे पास आपके वही हैं. भाई मान लीजिए, भाई मान लीजिए आप अपने घर में हो, मान लीजिए कोई घर में है और वो अपने पेरेंट्स से लड़ाई कर रहा है, झगड़ा ही हो रहा है उसका पेरेंट्स से, और बाकी बाकी काम कर रहा है, तो उसकी लाइफ सक्सेसफुल है क्या? लोग क्या कहेंगे उसको? लोग ही कहेंगे भैया तू पूरे संसार में घूम रहा है, तेरे ही घर में लड़ाई है, तो तूने क्या अचीव कर लिया? लोग ही कहेंगे ना, ये यही कहते हैं लोग, तू क्या 30 मार का बन रहा है, तेरे घर में पहले तो अपने घर को तो सही कर ले. वही बात है, वही तो नारद मुनि कह रहे भाई, तू सब कुछ कर जा रहा है, तू अपने घर को तो सही कर ले, असली घर तो आत्मा ही है, आत्मा में भगवान बैठे. हमारे घर तो शरीर है ना, उसमें भगवान है, तो हम भी तो कह रहे हैं भाई तुम पहले घर को तो सही कर लो अपने, फिर बाकी काम करना. तो मेरे सबसे बड़े संबंधी तो भगवान ही है,
ये घर है और इसमें हम बैठे हैं और भगवान बैठे हैं, तो कोई कोई नई बात नहीं है। वो जो कह रहे हैं हम भी वही कह रहे हैं, और कुछ नहीं है। उनका बोल सकते हो हरीर देह भृतम आत्मा स्वयं प्रकृति ईश्वरा, वह प्रकृति के समस्त भौतिक कार्यों के परम नियामक हैं, वह हमारे श्रेष्ठ सखा भी हैं, भगवान हमारे फ्रेंड हैं। अतः प्रत्येक व्यक्ति को उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करनी चाहिए, ऐसा करने से जीवन कल्याणमय हो जाएगा। द आइडिया इज आप जो भी कुछ करोगे उससे आपको बेनिफिट, श्रेय नहीं मिलेगा, प्रेय मिलेगा। दैट्स द होल आइडिया। प्रेय मतलब क्या होता है? नहीं नहीं, बाकी कोई भी काम करने से प्रेय होता है। प्रेय मतलब सेंस एंजॉयमेंट, सेंस एंजॉयमेंट। श्रेय बेनिफिट नहीं मिलेगा, एंजॉयमेंट जरूर मिल सकती है छोटी मोटी, अल्टीमेट बेनिफिट तो भगवान की भक्ति करने से ही मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगा। नारद मुनि की बहुत प्रैक्टिकल एडवाइजेस है, आई मीन उसे कोई कोई हाई फाई चीज नहीं कह रहे, बहुत प्रैक्टिकल चीज कह रहे हैं। अब पॉइंट, अब आपको करना है इसको बस, और कुछ नहीं है। दैट्स ऑल फिनिश। एक्चुअली यहां पे कोट भी कर रहे हैं, दिस इज गुड। तहारे से बोली विद्या मंत्र अंत अध्ययन, कृष्ण पाद पद्मे जे करे स्थिर मन। वेरी नाइस। चैतन्य चरित्र कोट करते हैं, जिसने कृष्ण के पाद पद्मों में अपना मन स्थिर कर दिया है, समझो कि उसने श्रेष्ठ विद्या प्राप्त कर ली है और सारे वेदों का अध्ययन। सही जे विद्यार फल जानी ही निश्चय, कृष्ण पाद पद्मे यदि चित वृत्ति रहे। शिक्षा का उत्तम फल है कि अपने मन को कृष्ण के चरण कमरों में लगाया जाए। दिग्विजय करेबा विद्यार कार्य नहीं, ईश्वर भजिले सही विद्या सत्य कहे। भौतिक शिक्षा द्वारा संसार को जीत लेना विद्या नहीं है। दैट्स द होल मेटेरियल एजुकेशन। हम ये करके दिखा देंगे, हम वो करके दिखा देंगे, हम समझ लेंगे, हम सब कुछ कर लेंगे, मार्स पे चले जाएंगे। मार्स पे अभी जाने वाले हैं, वो मार्स मिशन बना रहे हैं। प्रभुपाद 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 ने कहा था मार्स जाके क्या करेंगे, वहां पे भी खाएंगे पिएंगे सोएंगे। प्रभुपाद ने एक इंटरव्यू में ये भी कहा था, उसको भी गंदा करके आ जाएंगे। प्रभुपाद ने व्हाट्स इट्स इट्स नॉट इट्स इट्स अ यूजलेस वे ऑफ थिंकिंग। मगर उनकी थिंकिंग उल्टी है, वो कह रहे हैं यहाँ पे खराब हो रहा है इसलिए वहां जा रहे हैं। बट भाई तो यहाँ पे खराब करने वाले हो तुम, यहाँ सही कर लो, वहां क्यों जाना है। पढ़े पढ़े के न लो कृष्ण भक्ति जानी बारे, से यदि नाहिल तबे विद्या की करे। शिक्षा का उद्देश्य कृष्ण तथा उनकी भक्ति को समझना है, यदि कोई ऐसा नहीं करता तो उसकी शिक्षा झूठी है। तबे विद्या की करे, तो विद्या से क्या होगा। भक्ति में ठाकुर कहते हैं विद्या विद्या रा वैभव जीव को करे गाथा, विद्या जीव को गधा बना देती है। होता है ऐसे ही है नहीं, मतलब क्यों शी वॉज सेइंग शी वॉज थिंकिंग मैं हाई फाई हूं, सोच दी ना मैं साइंटिस्ट हूं, मुझसे ऊपर कुछ नहीं है। शी वॉज टेलिंग मी, तो शी भी कहवा डोंकी नहीं, दैट्स ऑल। डोंकी भी ऐसी सोचता है, हम लोग भी ऐसे थे, डॉक्टर ये है वो है। बट डोंकी डोंकी पता क्या सोचता है, डोंकी भी ये सोचता है। डोंकी डोंकी वैसे अपने माइंड में सोचता है कि उसके बहुत सारा वो डालते हैं ना, बाहर डालते हैं ना, तो डोंकी अपने माइंड में सोचता है मुझसे पहलवान कोई नहीं, नहीं कोई नहीं है, मैं कितना वेट उठा के ले जाऊं। पर इस फूल उसको यूज किया जा रहा है, दैट्स ऑल इज अ डोंकी। सो विद्या ये मर कर देती है, यू बिकम वेरी प्राउड व्हेन यू टेक मेटेरियल एजुकेशन। इसलिए आप देखो बड़े बड़े साइंटिस्ट बात भी नहीं करते। मैं तो जाता हूँ, मैंने तो अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश भी की थी एमआईटी में स्पेशली और हार्वर्ड में, क्योंकि डिवोटीज थे। बट उनको मेल भी भेजा, उनको बोला भी, मतलब वो मुड़ के बात ही नहीं करते। दे डोंट इवन वॉन्ट टू टॉक, दीज आर यूजलेस पीपल, इनसे क्या बात करेंगे। दे आर वेरी ब्रिटिश ब्रिट्स बहुत अहंकारी होते हैं। ब्रिटेन यूके बहुत ज्यादा, अभी भी सोचते हैं कि हम रूल कर रहे हैं वर्ल्ड को, अभी भी ऐसा सोचते हैं रियली। आई मीन इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स, अभी भी सीधा मुंह बात नहीं करते, हम रूल करने वाले हैं।
दिस इज ऑल मेटेरियल एजुकेशन. तहारे से बोली धर्म कर्म सदाचार, ईश्वर से प्रति जन्मे समस्त सवार. सुसंस्कृत शिक्षित सक्रिय धार्मिक होने का अर्थ है कृष्ण के लिए स्वाभाविक प्रेम विकसित करना. जो भगवान को प्रेम करता है वही असली में सुसंस्कृत है, उसी में अच्छी क्वालिटीज आएंगी. जो भगवान को प्रेम करता है वही असली में शिक्षित है, क्योंकि वो ही समझ सकता है कि असली की लोगों का बेनिफिट कैसे करना है. शिक्षा का एम बेनिफिट करना है ना. भगवान से जो प्रेम करता है वही धार्मिक है, क्योंकि उसको असली धर्म समझ आएगा. अदरवाइज हम कंफ्यूज जाएंगे. जो भक्ति में लगा हुआ है वह संसार में रंच वह संसार से रंच मात्र भी नहीं डरता. सबसे बड़ा लक्षण भक्ति का है निर्भय हो जाना. अगर हम निर्भय हो रहे हो इसका मतलब भक्ति में आगे बढ़ रहे हो. अगर निर्भय नहीं हो रहे इसका मतलब भक्ति में आगे नहीं बढ़ रहे, फुल स्टॉप. बस इससे पता लग जाएगा आपको. अगर आप अभी भी भयभीत हो, वो वैसे वैसे आपको कैसे पता लगेगा कि आप निर्भय हो रहे हो नहीं हो रहे हो? कैसे पता लगे? कुत्ता आएगा तो आप हिलोगे नहीं, मैं निर्भय हो गया. हाउ डू यू नो? फ्यूचर प्लानिंग कम करते जाएंगे तो. यस, विल बी लेस कंसर्न्ड अबाउट आवरसेल्व्स. नहीं, प्रैक्टिकली वो तो कोई भी कह देगा. प्रैक्टिकली अगर निर्भय हो रहे हो तो फ्यूचर प्लानिंग आप करना ज्यादा नहीं करोगे. आप भगवान पे छोड़ दोगे, करोगे थोड़ी बहुत. ऑफकोर्स हम पागल तो नहीं है, बट ज्यादा उसमें माइंड नहीं लगाओगे, थोड़ा करके छोड़ दो बस. मतलब फ्यूचर इनसिक्योरिटी नहीं रहेगी अगर वो बात करें. दैट्स हाउ वी विल नो हम निर्भय हो रहे हैं. अगर कभी पैसे कम हुए तो आप डरोगे नहीं. प्रैक्टिकली अगर हम बात करें, लोगों के माइंड में ये तो चलता है. अगर निर्भय हो रहे हैं तो फिर हम ज्यादा या न जोशती न कांक्षती. दैट्स अ होल पॉइंट. फ्यूचर के बारे में आधा सोचना छोड़ देंगे, इसका मतलब है हम निर्भय हो रहे हैं. बस आगे क्या होगा, ये क्या होगा, फिर इनसिक्योरिटी के लिए हम ये करते रहेंगे. मतलब आजकल मतलब आई मीन टू से बहुत बुरी हालत हो गई है आजकल. तो जब लड़की पैदा होती है तो अभी से डाउरी कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं लोग. पैदा होते ही बच्ची के अकाउंट खोल देंगे, जब बड़ी होगी तो दहेज के पैसे उसको मिल जाएंगे. बर्तन भी इकट्ठा करने लगते. बच्ची के एजुकेशन के लिए भी इंश्योरेंस एंड आ जाता है कि आपको भी 17 साल बाद जरूरत पड़ेगी. अभी उसी सो दैट्स ऑल है. फियर से गियर्ड है वो. सिखा वो दिखा रहे हैं मीडिया में, वो ही सिखा रहे डर के कारण और डर के कारण. बट अगर भगवान से कनेक्टेड हो तो डर का इस बात का है. तो दैट्स वन मेन थिंग. अगर भक्ति में आगे बढ़ रहे हो भय खत्म हो जाएगा. और अगर निर्भय हो रहे हो तो बीमारी का डर खत्म हो जाएगा. लोग इतने डरे हुए हैं हेल्थ से, आगे क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा, इतना डर गए हैं लोग हेल्थ के कारण. बट कुछ नहीं, वैसे पता है, वैसे मैं पढ़ रहा, मतलब बहुत सारी चीजें इनकी चेंज हो रही हैं. मतलब तो पहले कहते थे ना फैट खाने से मोटे हो जाएंगे, है नहीं? थ्योरी चेंज हो चुकी है. कह रहे हैं फैट खाओ, कितना भी कार्बोहाइड्रेट खाने से मोटे जाते हैं. तो हम आयुर्वेद पहले चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि भाई घी खाओ कुछ नहीं होगा. घी जरूर डालो. सो आई मीन टू से यू कैन बी हेल्थ कॉन्शियस और ये वो, मैं बहुत कॉन्शियस हूँ. बट द होल पॉइंट इज इफ यू डोंट कनेक्ट टू गॉड, आप अननेसेसरली फियरफुल रहोगे चीजों के. भगवान कह रहे सिंपली मेरी एडवाइस फॉलो करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा. बस काम खत्म. यार सिंपल सी बात है, मगर हम डरते रहते हैं. तो इतना डर गए हैं लोग कि पूरी मॉर्निंग लोग एक्सरसाइज में बिता देते हैं. भैया मॉर्निंग भक्ति के लिए है. मॉर्निंग कोई उल्टा पुल्टा भागने लटकने के लिए थोड़े ना है. इट्स फॉर डिवोशन, दैट्स अ प्रायोरिटी. That's what you do. ठीक है, आपको करना है तो 15-20 मिनट कर लो, that's okay. Otherwise, why do you want to waste time in all those things? राखे कृष्णा मारे के मारे कृष्णा. आप समझ लो, कुछ भी कर लो, आप भागते भागते मर जाओगे, देखना. बीच में हार्ट अटैक होगा.
ट्रेडमिल पे तो कितने लोगों को होता है, मर जाते हैं ना। वैसे भी सबसे ज्यादा हार्ट अटैक तो सुबह ही होते हैं, लोग चाय पी वॉक करते हैं हार्ट अटैक। हाँ सुबह ही होता है, ब्लड प्रेशर पहले बढ़ा के रखते हैं कृष्णा 3 बजे से। हाँ सुबह ही होता है, बात का पीरियड होता है। सो दैट्स व्हाट कृष्णा इज सेइंग, इट्स अ सिंपल फॉर्मूला, भगवान के साथ जोड़ो, उनकी बात मानो, बस दैट्स ऑल। अपने माइंड में बिठा लो, भगवान आपकी बात मानूंगा, बाकी घतों की बात नहीं मानूंगा, बस दैट्स ऑल। ये सब घते हैं, इनकी बात हम नहीं मानेंगे, चाहे वो साइंटिस्ट हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे कुछ भी हो, पागल लोग हैं, हमें भी पागल करेंगे, क्यों माने हम उनका एक्सपीरियंस। सब कुछ चेंज हो गया है, मतलब ये इतनी बड़ी बात चेंज हो गई। एक और चीज़ बता रहे थे आजकल क्या चेंज हो गया है, इट्स अ रेडिकल चेंज। आई मीन तो ये तो कार्बोहाइड्रेट्स वाला, ये तो फास्टिंग, दे आर प्रमोटिंग फास्टिंग। हाँ फास्टिंग प्रमोट कर रहे हैं, वाटर फास्टिंग, दे ओनली ड्रिंक वाटर है, सिर्फ वाटर। अब वो भी उनकी सब स्पेक्ट है, वो भी चेंज, ये सब तो अपने माइंड से पागलों की तरह करते रहेंगे। डोंट गो बिहाइंड देम, जो कृष्णा कह रहे हैं वो करते रहो बस। एक्चुअली शिला प्रभुपाद लिख रहे हैं, वैसे एक प्रभुपाद एक लेक्चर में कह रहे हैं कि ब्लाइंड फेथ इज हायर देन रैशनल फेथ। भगवान पे ब्लाइंड फेथ अच्छा है, वैसे तो ब्लाइंड फेथ गलत है इस संसार में। रैशनल फेथ कैसे कहेंगे, समझ आ रहा है ना आप लोगों को, मतलब श्रद्धा, श्रद्धा इस अंधी श्रद्धा तो खराब है संसार में, श्रद्धा होनी चाहिए ज्ञान से। डेफिनेशन भी वही है, ज्ञान के आधार पर जो श्रद्धा है वही श्रद्धा है विश्वास। मैं कहा प्रभुपाद कह रहे हैं एक बार ज्ञान के आधार पर श्रद्धा आ जाए, फिर एक बार आपको श्रद्धा आ गई भगवान में, फिर अब ब्लाइंड फेथ कर लो कि जो भगवान कह रहे हैं बाकी वो सही है, और फॉलो कर लो उसके बाद, तो लाइफ जल्दी सक्सेसफुल हो जाएगी, आप बहुत फास्ट पड़ जाओगे। हम भी ऐसे करते हैं भाई, अब तो अब हमें फेथ आ गया कि भगवान है और भगवान है, अब जो भगवान कहते हैं तो हम समझने से पहले फॉलो कर लेते हैं, भी भगवान जो कह रहे हैं सही होगा, अब ये कर ही लो यार बस, है नहीं, अब दैट्स ऑल फिनिश, खत्म हो गया काम। सो दैट्स अ वेरी दैट्स ऑल्सो वन परस्पेक्टिव टू कीप इन माइंड। सो इसलिए यहां पे कह रहे हैं कि जो इस रहस्य को जानता है वही वास्तव में शिक्षित है, ऐसा शिक्षित व्यक्ति संसार का गुरु हो सकता है। और रियली दैट्स गुरु हरि, दैट्स वन वर्ड है। जो वस्तुतः प्रमाणिक गुरु अर्थात कृष्ण का प्रतिनिधि है वह कृष्ण से अभिन्न होता है। अगर भगवान से कनेक्टेड हो गए तो आप भी गुरु बन जाओगे, क्योंकि कृष्ण वंदे जगत गुरु। वैसे ये भी बात है, वैसे कई लोग प्रभुपाद को जगत गुरु कहते हैं, नहीं जगत गुरु शीला प्रभुपाद एक्चुअली ठीक नहीं है, क्योंकि शीला प्रभुपाद ने कुंती बनाने की शिक्षा पढ़ी है आपने, उसके पॉपर्ट में प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जगत गुरु की लोग कई गुरुओं को जगत गुरु कहते हैं मगर वो मायावाद है, क्योंकि असली जगत गुरु कौन है, कृष्णा है। सो दैट देर आर समथिंग्स रॉन्ग गोइंग, सो वी शुड नॉट से प्रभुपाद जगत गुरु, दैट्स अ रॉन्ग, वो मायावादियों की अंडरस्टैंडिंग है, वो लोग ऐसा कहते हैं। हम लोग शिल प्रभुपाद सुना है इसको, हमने सुना है ना जगत गुरु, प्रभुपाद नेवर लाइक्ड इट एंड हाँ यू शुड नॉट स्पीक जगत गुरु शिल प्रभुपाद कीजिए। अब वो तो किसी कुछ पता ही नहीं, तो क्या चैतन्य आपको कह सकते हैं, भगवान को कह सकते, भगवान है जगत गुरु, प्रभुपाद लिख रहे हैं जगत गुरु मायावादी टर्म है। So we should they like to, क्योंकि गुरु को फिर तोल देते हैं ना भगवान से, that's a whole idea ना, वंदे कृष्ण जगत गुरु, that's a whole idea. So don't use this word जगत गुरु for Prabhupada. इस कौन में कर रहे हैं, but that's a deviation, we don't do that. ऐसे remember this, it's a very big debate in Western world, बहुत बड़ी debate है, and people don't use it now. Okay, so asli guru khatam ho gaya, that's all finished. Okay, kuch puchna kuch kehna hai, you can ask me. Yeah, Hare Krishna. खत्म हो गया, मतलब एडवाइस हो गई, टाइम मत वेस्ट करो और भक्ति करो, इट्स अ सिंपल थिंग।
टाइम वेस्ट करना, वैसे पता है अलग लोगों की अलग अलग डेफिनेशन होती है बाय द वे। ध्रुव महाराज के लिए सांस लेना भी टाइम वेस्ट था। मतलब नारद मुनि तो अभी बेसिक्स ABCD शुरू कर रहे हैं कि भैया फालतू के काम मत करो संसार में। फिर जब हायर क्लास में आओगे तो बोलेंगे भैया खाना पीना भी टाइम वेस्ट है, जो और हायर क्लास में आओगे सोना भी टाइम वेस्ट है, जो हाईएस्ट क्लास में आ जाओगे सांस बंद कर साले टाइम वेस्ट है। वो कहोगे ये क्या हो गया। बट यू सी द पॉइंट, पीपल हु आर फोकस्ड ऑन गॉड उनके लिए डेफिनेशन ही बिल्कुल अलग होती है टाइम वेस्ट की। तो हम एटलीस्ट बेसिक ग्रॉस लेवल पे तो टाइम वेस्ट ना करें, दैट्स द होल आइडिया। वहां तक तो कभी पहुंचेंगे नहीं, वो तो चलो छोड़ दो सांस, वो तुम सोच भी नहीं सकते सांस लेना भी टाइम वेस्ट है, वी कांट इवन थिंक अबाउट दैट। बट पीपल वर डूइंग, सिर्फ ध्रुव महाराज नहीं, मतलब इफ यू गो इन हिस्ट्री बुद्धा के टाइम पे देवा मैनी योगी जो सांस बंद करके बैठ जाते थे, है नहीं? मतलब अभी तुकाराम के टाइम पे था चांगदेव वांगदेव सांस बंद करके 6-6 महीने समाधि में चले। बुद्धा ही यूज टू प्रैक्टिस मेडिटेशन, पानी में जाके ही यूज टू मेडिटेट सांस रोक के। बिकॉज अभी तो जो मेडिटेशन करते थे ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, उसमें तो सांस नहीं रोकते थे, उसमें तो 75% सांस कम हो जाते हैं टीएम में ना। हाँ डेफिनेशन अलग है लोगों की, मतलब एटलीस्ट ग्रॉस लेवल पे तो करें। वो तो है ही प्रिंसिपल्स हैं, वो तो किसी भी प्रिंसिपल में, बस भक्ति में दिमाग नहीं चलता। भक्ति में आदमी बाकी जगह तो हम सब यही सोचते हैं टाइम मत वेस्ट करो, है नहीं? पढ़ाई में भी सोचते हैं टाइम मत, पैसे में भी टाइम मत वेस्ट करो। हाँ अभी भक्ति की याद आती है, हाँ बहुत टाइम है, क्यों भाई? अचानक से आपका लॉजिक क्यों चेंज हो गया, है नहीं? जैसे हम आज सुबह भी बात कर रहे थे कि जब भक्ति में आते हैं तो कहते हैं यार बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं, छोड़ो चलो क्या करें, क्या समझें, कैसे समझें, और जब पैसे इन्वेस्ट करने हो तो बहुत दिमाग लगता है। ये पॉलिसी वो पॉलिसी पूरा रिसर्च कर डालेंगे, गूगल हो गया वो हो गया। भक्ति में यार बहुत कुछ, अब क्या करें भाई? आपका लॉजिक अब भक्ति में आते क्या हो गया, लॉजिक चेंज क्यों हो गया? भक्ति में उसमें भी रिसर्च करो, डू रिसर्च प्रॉपर, रीड, ट्राई टू अंडरस्टैंड, हो जाएगा। दैट्स व्हाट नारद मुनि इज सेइंग, मंद सुमंद मत हो, स्पिरिचुअली लेजी पीपल। भक्ति में आते चलो ठीक है, that's all. क्या कह रहे हो तो भी आपने कहा कि confusions हैं इसलिए टाइम वेस्ट करते हैं? नहीं, टाइम वेस्ट करते हैं और कंफ्यूजन, दो चीजें हैं अलग अलग। कंफ्यूजन नहीं, लेजीनेस की वजह से टाइम वेस्ट कर रहे हैं। कंफ्यूजन एक अलग फैक्टर है। ये तो टाइम दो चीजें होनी चाहिए, टाइम वेस्ट हुए कंफ्यूजन। हाँ, और कंफ्यूजन को हटाने के लिए भी कह दें हम उसको टाइम वेस्ट करते हैं, हम कह रहे हैं कि इसके पीछे कुछ लोग कहते हैं सर्विस करो ना। जैसे आपने कहा कि ब्लाइंड फेथ, तो ब्लाइंड फेथ से चलो, मतलब क्या प्रॉब्लम है करते हो सर्विस? कंफ्यूजन मत हटाओ, नहीं दोनों होना चाहिए, दोनों होना चाहिए। आप पहले फॉलो करते रहो और साथ साथ कन्फ्यूजन भी हटाओ, क्योंकि आप कन्फ्यूजन नहीं हटाओगे तो फिर धीरे 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 फिर स्पीड कम हो जाएगी। कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग सिर्फ कंफ्यूजन हटाने में घुस जाते हैं, कुछ लोग सिर्फ सर्विस में घुस जाते हैं। हम दोनों ही कैंप में नहीं, दोनों करेंगे। कुछ लोग पहले कंफ्यूजन हटाएंगे फिर सोचेंगे सर्विस करेंगे, वो भी गलत है। नो दैट्स नॉट राइट थिंग, यू फॉलो एंड साइमल्टेनियसली आप कंफ्यूजन हटाते रहो, हो जाएगा। कई कंफ्यूजन ज्यादा है, वो कर ही नहीं पा रहा, उस मिनिमम लेवल पर आ ही नहीं रहा, वो ऐसा भी होता है, स्टार्ट भी कर पाए तो भी ऐसा भी मैंने देखा। कई होता है, बहुत ज्यादा डाउट्स हैं, अभी शुरू भी नहीं कर पा रहा। देन एडवाइजेबल इज चैंट एंड प्रे, और अपनी कंफ्यूजन जो भी आप क्लियर करते रहो चैंट एंड प्रे फॉर दैट पर्सन। कंफ्यूजन आता है चैंटिंग से फिर भगवान गाइड करेंगे, क्योंकि वो हटेगी नहीं, इंटेलेक्चुअल लेवल पे घूमता रहेगा। चैंट एंड प्रे एंड देन
थैंक्स ब्रदर। कुछ कह देंगे चैंट, मतलब डाउट्स तो हटाने पड़ेंगे, मतलब हटाने पड़ेंगे सिर्फ लेसन ही अगर हम प्रे करें और डाउट्स। हाँ तो इमीडिएटली नहीं, दैट्स द होल आइडिया। देयर इज अ प्रोसेस वेयर डॉक्टर के पास जाओगे, आप कहोगे मेरे को बीमारी है, तो कहेगा ठीक है ओके फाइन, अभी 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 तू दवाई ले और खिचड़ी खा, फिर 3 हफ्ते बाद आइयो फिर तुझे बताऊंगा क्या करना है। सो देयर इज अ सिस्टम। सो अगर बहुत कन्फ्यूजन नहीं है तो एडवाइस ये करते हैं कि भाई ठीक है नो प्रॉब्लम, फर्स्ट कम एंड वट एवर मिनिमल सर्विस करो, चैंटिंग करो, प्रे करो, सुनते रहो नो प्रॉब्लम, सुनते रहो, कीप ऑन लिसनिंग, और फिर धीरे 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 फिर जब माइंड प्रिपेयर हो जाएगा तो फिर कन्फ्यूजन सॉल्व होने लगेंगे, फिर वैलिड क्वेश्चन आने लगेंगे, फिर हटने लगेंगे कन्फ्यूजन्स। ये भी एडवाइस होती है, बट ये बहुत एक्चुअली पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा, एक एक जनरल एडवाइस नहीं दे सकते कुछ, पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा ये, कान से ब्लैंकेट स्टेटमेंट। हाँ ये फिर एक गाइडेंस चाहिए उसके लिए कि व्हाट इज द बेस्ट फॉर दैट पर्सन। Some people we might say you read also, serve also, it's all like that. क्या पूछना है, कुछ कहना है किसी को? अदरवाइज वी स्टॉप। मेरा ऐसे सिचुएशन था, लेकिन वो क्या है कि इंटेंशंस थे और चैटिंग तो चलती रहती थी, तो कृष्णा सॉर्ट ऑफ मोर की मर्सी से कोई ना कोई ग्रुप मिलता रहता है, बिकॉज़ आई यूज्ड टू मूव आल्सो 2-3 साल 4 साल मेरा सो है। या यू विल लाइक दैट, आई नो दैट। सो बट द थिंग इज दैट बिकॉज़ ऑफ माय इंटेंशंस इज फाइनली यू नो बेस्ट फॉर यू फॉर डिफरेंट पीपल इट्स डिफरेंट थिंग्स, क्योंकि सब लोग अलग अलग है ना, अलग अलग संस्कार है, तो टीचर एक फ्रेंड होता है भाई, वो हेल्प करता है, सो चीज़ें आ जाती हैं फिर धीरे धीरे। मेरे साथ भी ऐसी था, मैं ऑफकोर्स आई मीन टू से आई वॉज इंटेलेक्चुअल पर्सन, और तो मैंने जब ज्वाइन किया था तो मैंने कहा था तुम बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए चले जाओ, तो मैं 6 महीने बुक डिस्ट्रीब्यूशन में था, बुक डिस्ट्रीब्यूशन पार्टी में, और फिर 6 महीने के बाद आया तो आई वॉज क्लीनिंग बाथरूम्स मंदिर में कर रहा था, बरोड़ा टेम्पल में तू तो वहाँ पे चला गया था। सो देन फिर उसके बाद मैं पढ़ नहीं पा रहा था, ऑफकोर्स आप पूरे दिन थक जाओगे क्या कर रहे होगे, फिर उसके बाद बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद बाथरूम गया, 1 साल हो गया, फिर मैंने गीता उठा के पढ़ी तो मैंने कहा अरे मुझे समझ कैसे आ रहा है, तो कुछ और ही समझ, मतलब मैंने कहा यार ये तो कुछ और ही समझ आ रहा है। देन आई वेंट टू महाराज की महाराज अब तो पूरा ही समझ आ रहा है, मतलब जो पहले आ रहा था पूरा नहीं, बट मच बेटर। मैंने कहा यस बिकॉज यू हैव सर्व्ड कृष्णा, सो फॉर मी प्रॉबली वो बेटर था, इसलिए ऐसा हो गया। फॉर डिफरेंट पीपल इट्स डिफरेंट, कभी कभी महाराज किसी को कह देते हैं ओके फॉर यू यू शुड रीड भागवत फर्स्ट एंड देन एवरीथिंग एल्स, तो उसके लिए वो बेटर हो जाता है। सो दैट्स आउट जो गुरु और वैष्णवों को फिर भगवान गाइड करते हैं, उनके थ्रू भगवान बोलते हैं, हम तो ऐसे ही देते हैं, इट्स नॉट अ ह्यूमन मैसेज विच इज कमिंग फ्रॉम डिवोटीज, इट इज सम डिवाइन इंटरवेंशन जिससे हम गाइड होते हैं। इसलिए एक कहावत है, एक हेवंस विल यूज यू एज अ वुडन क्लैम्प टू रिंग द बेल, तो जो ऊपर जो लोग हैं एंजल्स हैं भगवान है वो यूज़ करते हैं संसार के लोगों को आपको मैसेज देने के लिए। एक वाइज आदमी इस तरह से चलता है तो वो सीखता रहता है और वो आगे बढ़ता रहता है, मरते बुद्धि ना सियात, यही है ना भागवतम, गुरु के ऑर्डिनरी ह्यूमन नहीं मानना चाहिए, उसका मतलब ही है, उसका मतलब ये नहीं कि वो बीमार नहीं होगा, उसका मतलब नहीं है वो सोएगा नहीं, उसका मतलब गौड़िया मठ में एक बार हो गया था, पता नहीं हम लोग थे कहाँ थे, तो महाराज बीमार थे तो उन्होंने भाई डॉक्टर क्या ले जा, तो सारे बंगाली लोग कहते हैं तो महाराज की लीला है ऊपर जो चिल्ला है
अबे इधर आओ यार, मैं बीमार हूँ। तो ऐसा नहीं है कि वो पॉइंट है, मरते बुद्धि समझते हो आप ना, मतलब गुरु को ऑर्डिनरी ह्यूमन नहीं माना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो गुरु या जो भी सीनियर डिवोटी से जो मैसेज आता है वो एक डिवाइनली इंस्पायर्ड होता है। वो हमें लग नहीं रहा होगा मगर होता ही ऐसा है, तो हमें गाइड करने के लिए। सो हम इस फेथ पे चलते हैं और फिर सब कुछ ठीक होने लगता है, बस ऐसे ही। और वो तो मैंने पर्सनली देखा भी है, उसके इफेक्ट फिर बाद में पता लगते हैं एग्जैक्टली क्या हो रहा है। उस टाइम कुछ समझ नहीं आ रहा होता, उस टाइम लगता है यार दिस समबडी सेइंग समथिंग, समबडी सेइंग दिस ओपिनियन एंड डजंट गो लाइक दैट। कृष्णा इज इन फुल कंट्रोल, दैट्स द होल आइडिया। बहुत सारे वैष्णव तो अलग अलग गाइड करते हैं, तो गुरु अरे सारे वैष्णव टीचर, मतलब वैष्णव का अलग अलग ओपिनियन है सिचुएशन के, इसलिए टीचर टीचर के थ्रू जो तो फिर सब वैष्णव नहीं, हाँ हम लोग भगवान नहीं, उसके लिए मैच्योरिटी चाहिए। क्योंकि जो और भी जो वैष्णव बोल रहे होते हैं वो भी भगवान ही, जो भी हमारे लाइफ में हो रहा है सब भगवान कर रहे हैं, ये तो है नो डाउट। आई मीन टू से नॉन डिवोटी भी कुछ कर रहा है भगवान ही कर रहे हैं, बट नॉन डिवोटी और जो ऑर्डनरी डिवोटीज कर रहे हैं उसको डिकोड करने के लिए बहुत मैच्योरिटी चाहिए, वो डिकोड नहीं कर पाएंगे हम अभी। बट जो गुरु और टीचर है वो तो 100% दैट्स कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम गॉड फॉर यू, एग्जैक्टली फॉर यू। तो वो फॉलो कर लेना चाहिए, जब तक हम मैच्योर ना हो जाए, जब तक हम डिकोड ना कर पाए एग्जैक्टली हमें वहां से वो भगवान मैसेज दे रहे हैं या माया कंफ्यूज कर रही है एग्जैक्टली क्या हो रहा है, दैट हैज टू बी फिल्टर्ड आउट। बट गुरु के केस में और जो हमें गाइड कर रहा है उसमें तो चलो ठीक है, डिवाइनली इंस्पायर्ड है, ऐसे लेके चलते हो। दैट्स ऑल ऑफ अस। ओके दैट्स इट, वी विल स्टॉप हियर। शीला प्रभुपाद की जय।